हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से अलग है एंड इसको डिफरेंट नेम से बेचा जा रहा है, जो इसका नाम है लेजेंडर। एंड जो फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर है इसमें आपको उससे थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे फ्रंट लुक इसकी पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट है फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से। एंड फ्रंट में आपको इसमें क्रोम डिलीट मिलेगा, मतलब सब कुछ चीज़ें जो क्रोम में होती है वो आपको ब्लैक में मिल जाएगी। एंड इसकी हेडलाइट भी आप देखेंगे इसकी बहुत अच्छी इसमें हेडलाइट मिलेगी, फुली LED इसमें हेडलाइट मिल जाएगी। एंड फ्रंट ग्रिल में आपको देखेंगे बिल्कुल आपको ब्लैक में इसमें दिया गया है, शाइनी ब्लैक में, सो ग्लॉसी ब्लैक भी हम बोलेंगे। फॉग लाइट्स पे आपको फ्रंट सेंसर मिल जाएंगे, नीचे आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, नीचे आपको मैट्रिक्स इंडिकेटर भी DRL मिल जाएगा नीचे। एंड इसकी एक्स शोरूम की बात करें तो इसका एक्स शोरूम है 37,58,000। तो ये फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें आ जाते हैं 18 इंच इसके अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे, जो फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर उसमें भी आपको डायमंड कट मिलेंगे। एंड ये है इसकी साइड प्रोफाइल, इधर आपको ORVM पे इंडिकेटर मिलेगा विद पडल लैम्प। एंड इसमें आपको एक ही कलर वेरियंट मिलेगा, वो है इसका वाइट विद ब्लैक, मैट ब्लैक आपको रूफ मिलेगी जो है ड्यूल टोन। एंड इधर भी आपको क्रोम में दिया गया, क्रोम आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे दोनों। रियर में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एंड आपको ये रूफ में रूफ रेल मिलेगी, आपको शार्क फेन एंटीना मिल जाएगा। एंड आप देखेंगे ऐसे से मैट ब्लैक में इसकी आपकी रूफ मिलेगी। इसमें और कोई कलर ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ये जो कलर है सिर्फ यही आपको कलर कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में। तो रियर लुक कुछ ऐसी है, रियर लुक आपको इसमें एक और डिफरेंस मिलेगा फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से, इसका जो बम्पर है वो थोड़ा और डिफरेंट है। एंड आपको जो टोयोटा के नीचे जो नंबर प्लेट की पट्टी होती है उस पर भी आपको इसमें ब्लैक मिलेगा, जो फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर है उसमें आपको क्रोम में मिलता है। ये इसकी LED टेल लाइट्स विद मैट्रिक्स इंडिकेटर, ये लेजेंडर की बैजिंग पीछे। तो ये है इसमें ऐसे बम्पर में जो काफ़ी अच्छी लुक देता है इसको। नीचे आपको रिफ्लेक्टर लाइट विद इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। एंड नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में भी आपको लोअर बम्पर मिलेगा, स्पेयर व्हील आपको इसमें नीचे मिलेगा। एंड लेजेंडर में आपको 4x4 वेरिएंट नहीं मिलेगा, अगर आपको 4x4 वेरिएंट लेना है तो वो आपको फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर में ही मिलेगा। पीछे आपको इसमें रियर डिफॉगर विद वाइपर वॉशर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है इधर। एंड ये ब्लैक में काफ़ी अच्छा लगता है, रियर कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इसकी की भी थोड़ी डिफरेंट है फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से, तो कुछ ऐसी इसकी की है, 2 कीज़ आपको इसके साथ मिलेगी। तो अब एक बार अनलॉक कर लेते हैं गाड़ी को। तो ये इसका ड्राइवर साइड डोर, तो कुछ ऐसी ड्राइवर साइड डोर की लुक है। पूरे इंटीरियर में आपको रेड लेदर का आपको इसमें पूरा आपको वर्क मिलेगा विद रेड स्टिचिंग ऑल्सो। तो आप ये पूरा इसका लेदर का है। एंड इसमें एम्बियन लाइटिंग भी आपको मिलेगी विद सिल्वर एक्सेंट्स के डोर के ऊपर, सिल्वर आपको क्रोम हैंडल मिलेंगे, आपको चारों ऑटो अप एंड डाउन मिल जाएंगे, ओ फोल्डेबल ORVMs मिलेंगे। नीचे मैप पॉकेट्स मिलेगी आपको, एक बिग साइज बॉटल होल्डर है आपको इसमें, स्पीकर्स मिलेंगे 6 स्पीकर्स विद 2 टूडर्स। ड्राइवर साइड आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिलेगी एंड क्लच फुटरेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। एंड इसमें मैनुअल नहीं आता, सिर्फ ऑटोमेटिक ही आता है। ये आपका बोनट ओपनर एंड फ्यूल लिड ओपनर, आपको ये बूट ऑटोमेटिक क्लोजर, आपको डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर पार्किंग सेंसर का आपको बटन है, स्टार्ट स्टॉप का बटन है। एंड ये आपको एक कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, इधर आ जाता है एक AC वेंट। ये इसकी ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये इसकी पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक, इसमें आप पूरे देखेंगे आपको रेड एक्सेंट्स आपको मिलेंगे डैशबोर्ड पर भी। एंड ये इसका स्पीडोमीटर, बीच में आपको LCD कलर डिस्प्ले आपको मिलेगी जो काफ़ी अच्छी लुक देती है, जो आपको डिजिटल स्पीड शो करेगी, आपको FM यहीं शो करेगा। ब्लूटूथ से आप चलाएंगे तो आपको गाने का नाम यहीं पर लिखा आ जाएगा। यहाँ से आपकी सेटिंग्स है, यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स हो गई, यहाँ आपके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हो गए, यहाँ से आप पॉपअप डिस्प्ले भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के आप इसमें थीम भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। जैसे कि इसमें यहीं से मैं आप दिखा देता हूँ कैसे होता है।
यहाँ से ही हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इनकी थीम। एंड इधर आप बूट, ऑटोमेटिक बूट को मैन्युअली भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ भी हो जाते हैं। यहाँ से व्हीकल सेटिंग्स आ जाएंगी, डिजिटल स्पीड, टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया, ये आपकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन, आपकी एवरेज कितनी देरी है, ये इको इंडक्टर है आपका, इंजन स्टार्ट स्टॉप रनिंग टाइम, तो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं एमआईडी स्क्रीन में। ये इसका स्टीयरिंग व्हील विद लेदर, लेदर रैप स्टीयरिंग है इसमें आपको, ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। दो आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे, इधर आ जाते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, ऑटो हेडलाइट्स भी मिलेगी, एंड ये आ जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आ जाते हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स, वॉइस कमांड भी इसमें मिलेगा, एंड ये एम आई डी स्क्रीन के कंट्रोल्स। नीचे आपको ये सिल्वर एक्सेंट में आपको थर्ड मिलेगी, ये आ जाता है क्रूज कंट्रोल, ये ट्विटर्स, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ ड्राइवर के लिए मिल जाता है। इधर आ जाते हैं एसी वेंट, बीच में आपको क्लॉक मिलेगी, एंड ये इसका 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक। ये इसके फिजिकल यहाँ से आप बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसमें आप व्हीकल की लाइव लोकेशन भी आप अपने स्मार्टफोन से ही आप देख सकते हैं, आप टोयोटा का ऑफिशियल ऐप वहाँ से डाउनलोड कर कर वहाँ से अपनी व्हीकल की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। एंड ये सारे फीचर्स हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के। नीचे आ जाता है आपका फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, एंड सेकंड आप राइट साइड वाले स्विच से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं यहाँ से, एंड नीचे आपको फिजिकली बटन्स भी मिल जाते हैं। इधर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, एंड इधर आपको यूएसबी विद ऑक्स मिल जाएगा, एंड ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स के आपको टू ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। इधर आपको कार्ड होल्डर मिल जाएगा आपको, या उसमें वायरलेस चार्जर भी आपको इसमें मिलेगा, एंड आपको ये पूरा एक शाइनिंग ग्लॉस ब्लैक में, आपको थोड़ा सिल्वर में आपको इसमें अच्छी लुक देता है, ये पैटर्न अच्छा बनाया गया है। दो आपको बिग साइज़ का होल्डर्स मिल जाएंगे, एंड इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो आप मैनुअली भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें 3 मोड्स मिलेंगे, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। लेदर में ही आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, एंड हैंड ब्रेक भी आपको लेदर में ही मिलेगा। एंड डैशबोर्ड में जैसे आप देखेंगे आपको सिल्वर एक्सेंट्स विद रेड, एंड आपको मैरून विद रेड स्टिचिंग आपको इसमें मिलेगी पूरी। आपको सीट्स पे भी देखेंगे आप, सीट्स पर भी आपको इसमें पूरी रेड कलर की सीट्स मिलेगी। एंड ये पार्ट भी इसका लेदर का है, ऊपर वाला डैशबोर्ड का पार्ट पूरा हार्ड प्लास्टिक का है, एंड ड्राइवर साइड के स्पीडोमीटर के ऊपर भी आपको इसमें लेदर में मिलेगा। यहाँ पर फॉर्चुनर की बैजिंग मिलेगी जो एक बटन भी है, इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, नीचे आपको लॉकेबल आपको एक और ग्लव बॉक्स मिलेगा जो काफ़ी अच्छे बिग साइज़ का है, तो इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। इधर आपको एक और कप होल्डर मिल जाएगा पैसेंजर के लिए, एंड आपको 1 AC वेंट मिल जाएगा, ट्विटर आपको पैसेंजर साइड में मिलेगा, एंड पैसेंजर के लिए आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाएगा, एंड वैनिटी मिरर विद लाइट भी इसमें है। ये ऑटो डे एंड नाइट डिमिंग का इसमें ORVM आपको मिलेगा, एंड आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाएगी। बीच में आ जाती है इसकी आपकी इंटीरियर लाइटिंग है, तो यहाँ से आप दोनों लाइट्स ऑन कर सकते हैं, आप डोर के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, डोर ओपन ओपन करे तो जब लाइट आपकी चल जाएगी। ये आ जाते हैं आपका सनग्लास होल्डर, एंड ये पीछे पीछे की लुक। आप सीट्स देखेंगे आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे रेड में, आपको रेड विद ब्लैक आपको सीट्स मिलेगी विद रेड स्टिचिंग,
वो पीछे वाली सीट्स देख लेते हैं। एंड ये है रियर डोर की लुक। रियर डोर में भी आपको पीछे लेदर में मिलेगा, आर्मरेस्ट में भी आपको लेदर मिलेगा विथ पियानो ब्लैक, क्रोम में मिलेगी एंड पीछे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग की मिल जाएगी इसमें। इधर आपकी फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग होगी एंड मैम पॉकेट्स का फोल्डर्स एंड स्पीकर आपको इसमें मिलेंगे पीछे भी। एंड इधर से आप सेकंड रो की आप इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने आगे वाली सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दी है एंड मेरी हाइट है 6 फुट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रूम है, हमको थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड नीचे आपको लेग के लिए बहुत अच्छा स्पेस भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। बीच में आपको थोड़ा सा हम्प है जो कोई दिक्कत नहीं देगा। एंड सेंटर में आ जाते हैं, आपके दो पावर सॉकेट मिल जाएंगे USB, जो फ़ोन चार्जिंग के लिए आपको बहुत अच्छे फीचर हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होगी एंड आपको पीछे मैप पॉकेट्स मिलेगी विद वन बॉटल होल्डर, फिर बॉटल आप इसमें टंगा सकते हैं। एंड ये पीछे आ जाती है आपकी इसकी फ्रंट से डैशबोर्ड की लुक। रियर एसी वेंट्स आपको रूफ में मिलेंगे, आपको इसमें ग्रैब हैंडल विद कोट हुक मिलेगा एंड बीच में आपको इसमें इंटीरियर लाइटिंग मिल जाएगी, ब्लू कलर की काफ़ी अच्छी लुक देती है। एंड ये रियर एसी का इसमें डिस्प्ले दिखाएगा, कोर एसी वेंट, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। आपको पीछे भी एडजस्टेबल आपको इसमें हेडरेस्ट मिलेंगे, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड रो तीनों में ही लेदर की सीट्स मिलेगी, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। दो ये जो रेड कलर की सीट्स हैं और गाड़ी को और अच्छा स्पोर्टी लुक देती हैं एंड ये आइसोविक्स के हुक्स हैं। थर्ड रो की लुक कुछ ऐसी है, थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। तो एक बार आप बूट ओपन कर लेते हैं, वन टच ऑटोमेटिक इसमें बूट आपको मिलेगी, ऑटोमेटिकली बूट ऐसे खुल जाएगी बाय प्रेसिंग अ बटन ओनली। तो पीछे आपकी बूट काफ़ी ओके साइज़ की इसमें मिलेगी थर्ड रो के बाद। एंड इधर भी आपको थोड़े आपको हुक्स मिल जाएंगे सामान वान रखने के लिए, दोनों ही साइड मिलेंगे। पीछे आपको बूट लैंप भी मिल जाती है एंड ये आप थर्ड रो आप फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो। एंड बूट में आपको ये ग्रैब हैंडल आता है एक, एंड इस बटन को प्रेस करने से बूट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो कुछ ऐसे इसकी बूट क्लोज हो गई अब। तो अब एक बार थर्ड रो में भी चलते हैं ना, उसकी स्पेस के चेक करते हैं कि कितनी स्पेस है। तो आप इस लीवर को अगर पुल करेंगे तो सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी सेकंड रो की एंड देन इजीली इन एंड आउट हम आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें हैसल फ्री फीचर दिया गया है ये। एंड ऐसे कुछ सीट हम डाउन कर थर्ड रो में आ सकते हैं कम्फर्टेबली। तो पीछे थोड़ी ठीक ठाक स्पेस है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है पर ओके ही है। पीछे भी आपको मैप पॉकेट्स विद वन बॉटल होल्डर मिल जाएगा एंड आपको पीछे वाली सीट भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड रो की विंडो में लुक बाहर से काफ़ी अच्छी आएगी, छोटी विंडो नहीं है, काफ़ी बिग साइज़ आपकी विंडोज़ मिलेगी। पीछे भी AC वेंट्स मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसी विंडो है एंड ओवरऑल लुक थर्ड रो से कुछ ऐसी आएगी। एंड इसको आगे से फोल्ड कर हम ऐसे बाहर भी निकल सकते हैं, तो काफ़ी इजीली ये कर सकते हैं, इसमें कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। तो एक बार पैसेंजर साइड डोर भी देख लेते हैं अब, कुछ ऐसी इसकी लुक है। चारों ही डोर में आपको एम्बिएंट लाइटिंग की इसमें मिल जाएगी। एंड पैसेंजर साइड डोर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको सीट्स मिल जाएगी इसमें। एंड इसमें अब इसका इंजन देख लेते हैं, इसमें आता है आपका, इसमें है 2.8 लीटर का डीजल टर्बो चार्ज इंजन।
इसकी पावर है 204 PS एंड 500 Nm ऑफ टॉर्क। टॉर्क इसका काफ़ी अच्छा है एंड साउंड डैम्पिंग भी काफ़ी अच्छी करी गई है इसमें इंजन बे में आप देखेंगे। एंड इसकी माइलेज आपको 10 to 13 km/L मिल जाएगी। तो फ्रंट LED लाइट कुछ ऐसी इसकी है, काफ़ी तेज़ आपको इसमें बीम मिलेगी। फुली LED ब्लू कलर की आपको इसमें लाइट मिलेगी। नीचे आ जाती है DRL विद आपको मेट्रिक्स इंडिकेटर एंड LED में ही आपको फॉग लाइट भी मिलती है। तो लेजेंडर की जो ओवरऑल लुक है वो फेसिस फॉर्चुनर से काफ़ी और अच्छी है एंड इसमें आपको रूफ़ भी पूरी ब्लैक मिलेगी, तो वो भी एक अच्छा फीचर आ जाता है। एक बार पार्किंग लाइट देख लेते हैं, तो कुछ मैट्रिक्स इंडिकेटर की लुक कुछ ऐसी आएगी। एंड रियर LED की लुक कुछ ऐसी है, रियर में भी काफ़ी अच्छी लगती है इसकी LEDs विद मैट्रिक्स इंडिकेटर। तो ये थी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर की वॉक अराउंड एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।